नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वह यहां संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पीएम मोदी मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पीएम मोदी प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऐसे तो वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन ट्रैक और दूसरे तकनीकी वजहों से अपने मूल रफ्तार पर नहीं दौड़ पाती है। वंदे भारत सीरीज की 11वीं ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली आने को तैयार है। रेलवे का दावा है कि इस रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से यह ट्रेन दौड़ेगी। भोपाल से नई दिल्ली के बीच नहीं बल्कि हजरत निजामुद्दीन पर रुकेगी। रास्ते में यह वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा छावनी स्टेशन पर ठहरावा दिया गया है। शताब्दी की तुलना में इस ट्रेन में सफर करने में 1.25 घंटे का कम वक्त लगेगा। दिल्ली और भोपाल के बीच की 701 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करेगी। यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो आगरा से दिल्ली के बीच अपनी अधिकतम मान्य गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे पहले विभिन्न सेक्शनों में प्रचालित होने वाली 10वें भारत एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मूंग भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने राज्य हैंगर पर मोदी का स्वागत किया, यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर्व पर हुए हादसे के मद्देनजर बीजेपी के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा के दौरान उनके एक रोड शो और उनके भव्य स्वागत की अपनी योजना रद्द कर दी है और अब यह कार्यक्रम नहीं होंगे। पीएम मोदी भोपाल में पूर्व निर्धारित कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से कार द्वारा रवाना होंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। वे कार से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बीयू परिसर के हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पीएमबीयू के हेलीपैड से भोपाल एयरपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। वे भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर के पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन के दौरान पुरातन बाबड़ी की छत ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह से बीजेपी ने पीएम मोदी का रोड शो और उनके भव्य स्वागत की अपनी योजना रद्द कर। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।